हलका राजकुमार चब्बेवाल एमएलए और सरदार जोगिंदर सिंह मान साहब का कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में मंडी फुगलाना के किसान विरोधी बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली गई। केंद्र की लोकमार नीतियों के विरोध में होशियारपुर से लोकसभा सदस्य केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के घर का घिराव करने पहुंचे, जिसमें सरदार मान और चब्बेवाल ने किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद की। इस मौके दलजीत सिंह, राजीव देहाती प्रधान, सुखविंदर बिल्ला, राजू पंच आदि मौजूद थे। फगवाड़ा से गुरमीत सिंह टिंकू की रिपोर्ट। बादल ने इस्तीफा जो दिता है, एक बहुत सोची समझी चाल के तहत वो इस्तीफा दिता गया। और जदों ये ऑर्डीनेंस पास होए तो उदो बीबा ने यह चाहिए सी कि उन्होंने ऑर्डीनेंसा दे विच अपनी आवाज़ पंजाब के हक के बुलंद कर दी और ऑर्डीनेंस चो वाकआउट करके आया। जे वाकआउट नहीं किया तो उस तो बाद ऑर्डीनेंस तो बाद आके जरूर पंजाब के किसानों के हक च आवाज़ बुलंद कर, वो भी नहीं आवाज़ बुलंद कर सके। और उस तो बाद की होया, जब तक कानून पास नहीं हुए तद तक एको राग पूरा परिवार पूरा अकाली दल एको राग अलापदा रहा कि जी ये जो ऑर्डीनेंस है ये किसानों के हक च ने। और जो बिल पास हो गया उस तरह बिल पास हो गया तो फिर की हो गया, जे ऑर्डीनेंस हक से बिल जो पास हो गया तो फिर वो कि विरोध च हो गया। सो एक सोची समझी चाल के तहत जो किसान की हत्या हो गई, जो किसान खत्म हो गया वो बिलों के नाल, उदों जो इस्तीफा दिता तो बहुत देर कर दी। जे अगर इस कानून के बदलाव नहीं लिया जाता तो अलग ही होगा। जेकर इस कानून के बदलाव नहीं लिया गया, सब तो पहला तो मैं जरूर दसना चाहता कि यह जरा संविधान की घोर उलंघना हो, संविधान के तहत नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ये कानून नहीं लिया सकती, क्योंकि यूनियन लिस्ट के एग्रीकल्चर शब्द आता चार बार ही है, पर उन्होंने यही लिखा भी तुसी कानून नहीं बना सकते। और जी स्टेट लिस्ट है, ये स्टेट का प्रेरोगेटिव है, ये स्टेट ने कानून जो खेतीबाड़ी के रिलेटड कानून है, संबंधित कानून है, वो स्टेट ने देखने हैं। सो कानूनी तौर पर जेकर असी गल करिए सिर्फ स्टेटा ही कानून बना सकते हैं APMC एक्ट के तहत। और ये जो कानून बनाया गया सब तो पहला गैर संविधानिक है, और इस कानून का असी सुप्रीम कोर्ट के इस विरुद्ध जावे, और उस जो उस विरुद्ध जावे, और मैं पूरी आस है कि सुप्रीम कोर्ट जी इस कानून रद्द करेगी। जेकर रद्द नहीं करती तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह यह बेनती करूँगा कि जिस तरह पानिया का बिल पास किया, पानिया के राखे बने से, उस तरह यह जरा कानून एक होर पास किया जाए जोड़ा इस जोड़ा किसान विरोधी बिल है इस दिन भी धजिया डाल। डॉक्टर साहब, जितों थानू रोक पुलिस ने रोकया है, ये बारे थोड़ा की टिप्पणी हैगी? देखो पुलिस काफ़ी दूर है सोम प्रकाश का घर। देखो साडा विरोध कर संविधानिक हक, और उस विरोध में रोकना पुलिस का संविधानिक हक। इस बारे मैं कोई चर्चा तो नहीं कर सकता, परंतु एक गल पक्की है, असी चाहे वह कोठी तक पहुँचे या पुलिस ने सानू नहीं पहुँचने दिता, जोड़ा सुनेहा है वह BJP के कन्ना तक जरूर पहुँच गया, अकाली दल के कन्ना तक जरूर पहुँच गया, वो कन्न जरूर खोल दो। कभी जो फगवाड़ा के होशियारपुर रोकी गई की कहना चाहते? देखो ये ट्रैक्टर रैली का साडा मुख मकसद यह कि जोड़े पंजाबियों ने चुन के इतों नुमाइंदे भेजे, जिन्हों चो एक सोम प्रकाश जी भी है, और जिन्हों के सिर पर पंजाब ने बहुत वड्डी पग रखी है, केंद्रीय राज मंत्री ने उन्होंने चुन के भेजा सी, और उन्होंने नींद तो जगाउण दे लई इह साडी ट्रैक्टर रैली का मेन मकसद सी। और उन्होंने घर का जो घिराओ करन दा साडा प्लैन यही सी कि उठो जागो पंजाब का किसान जिहड़ा बर्बाद हो रहा है। और मैं उन्होंने दस देना चाहना, अज तो मैं कहते किसी ने गल कर रहे थे, कहते भी सोम प्रकाश जी इत्थे नहीं है शायद, तो मैं उन्होंने वैसे कहना, वो वैसे भी कहना इतने ना पार्लीमेंट लभदे आ ना इतने लभदे, आवाज़ कितने बुलंद करनी नहीं, फिर घर होवो या ना होवो तो की फर्क पैंदा। और दूजी गल, मैं पंजाब के किसानों का, पंजाब दियां तमाम किसान जथेबंदियों का, मजदूरों का, और पंजाब के जिन्हें भी गायक तो नायक जिन्होंने कल 25 तरीक के बंद का समर्थन किया और कामयाब बंद का समर्थन किया, मैं उन्होंने दिल दियां गहराइयां तो धन्यवाद। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो और सबसक्राइब करन वेले बैल आइकन वाला बटन दबाना ना भुलो, ताकि तुहानू हर खबर मिल सके सब तो पहला।